हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मी एंड माय DIY चैनल। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो है हेयर फॉल को हम कैसे रोके, अपने नए बाल कैसे उगाए, जो भी बाल हमारे डैमेज हो चुके हैं उनको बालों को कैसे सही करें। आपकी जो भी हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है आज इस वीडियो में आपकी 100% वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो वीडियो को पूरी देखना ताकि आप कोई भी स्टेप मिस ना करें, और जैसे इस ऑयल को प्रिपेयर करना ठीक आपको ही उसी तरीके से इस ऑयल को प्रिपेयर करना है। और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आपको इस ऑयल को कितना टाइम तक लगाना है और वीक में कैसे ट्राई करना है। तो वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेट्स गो स्टार्ट। होममेड हेयर को ऑयल बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कलौंजी। ये कलौंजी आपको कहीं पर भी इजीली मार्केट में आपकी जनरल स्टोर पे मिल जाएगी कलौंजी, या फिर हम इसको काला जीरा बोलते हैं। कई लोग इसको, ये जो हमारे अनियन के बीज होते हैं उसी को हम कलौंजी बोलते हैं। तो ये कलौंजी बालों में हमारे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, और ये हमारे बालों को टूटने से बचाती है और साथ ही साथ नए बाल उगाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। हमारा सेकंड मेन इंग्रेडिएंट है मेथी के दाने। मेथी के दाने हमारे बालों के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करते हैं, साथ ही साथ हमारे जो टूटे हुए बालों की जगह पे नए बाल उगाने में हमारी हेल्प करते हैं। तो ये जो दो मेन इंग्रेडिएंट है मेथी और कलौंजी, ये दोनों ही बालों के लिए बहुत वरदान साबित है। यही दोनों इंग्रेडिएंट हमारे बालों के अंदर वो पोटेंशियल इंक्रीज करते हैं जिससे हमारे हेयर ग्रोथ में हेल्प होते हैं, साथ ही साथ हमारे हेयर लॉन्ग बनते हैं और साथ ही साथ मजबूत बनते हैं। तो ये दोनों इंग्रेडिएंट हमारे ऑयल में काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। ऑयल प्रिपेयर करने के लिए आपको एक क्लीन बाउल के अंदर करीबन मैंने यहाँ 2 चम्मच कलौंजी को ऐड किया है और 1 चम्मच मेथी के दाने को ऐड किया है। आपको यही क्वांटिटी में इन दोनों इंग्रेडिएंट को ऐड करना है। अब इनको हल्का सा सेकना है या फिर हल्का सा रोस्ट करना है। आप नॉर्मल तवे पे इसको धीमी आंच पे इनको रोस्ट कर सकती हैं, जैसे मैं इस वीडियो में बता रही हूँ कि आपको उसी तरीके से इनको रोस्ट करना है। ये काफ़ी इनके अंदर, मेथी के अंदर जब तक गोल्डन कलर नहीं आ जाता तब तक आपको इसको सेकना है। आपको इसको बार बार हिलाते रहना पड़ेगा, नहीं तो ये जल भी सकता है। तो आपको ये बहुत ही ध्यान से करना है। इसके अंदर मेथी के अंदर धीरे धीरे गोल्डन कलर आ रहा है और इसके अंदर थोड़ा सा धुआं भी निकलेगा, तो वो उससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आपको इसको अच्छे से हिलाते हुए इसको सेकना है, करीबन 2 से 4 मिनट तक इसको पकाना है। इतने में ही दोनों इंग्रेडिएंट रोस्ट हो जाएंगे। अब धीरे धीरे मेथी का कलर गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो गया, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। अब इसके बाद इसमें गैस ऑफ करके 5 मिनट तक इन दोनों इंग्रेडिएंट को तवे पे रहने देना है। अब आपको एक बाउल के अंदर इसको रख के इनका हमें कोई फाइन पेस्ट बनाना है, फाइन पाउडर बनाना है, जो जिसके अंदर एकदम बिल्कुल पूरा वो फाइन पाउडर होना चाहिए। देखिए मैंने एकदम इसको ग्राइंड कर लिया, आपको ठीक इसी तरीके से इसका फाइन पाउडर बनाना। आपको यही उसकी टेंडेंसी रखनी है उस पाउडर की, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। अब हम इस तीस इंग्रेडिएंट से अपना ऑयल प्रिपेयर करेंगे। मैं आपको बताऊंगी ठीक आपको वैसे ही हर एक स्टेप को प्रॉपर फॉलो करना है, तब भी आपका वो ऑयल अच्छे से बनेगा। ये ठीक आपको ऐसे पाउडर बनाने के बाद कोई क्लीन बाउल लेना है और उसके अंदर कलौंजी का पाउडर को ऐड करना है। जो भी हमने कलौंजी और मेथी का पाउडर को लिया है, करीबन मैंने यहाँ 2 चम्मच उस पाउडर को ऐड किया है। अब इसके अंदर हमें को मेन इंग्रेडिएंट ऐड करना है जो इसको ऑयल की फॉर्म में लेकर आएगा, ये कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल हमारे फेस, हमारी स्किन, हमारे हेयर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, और इससे हमारे बालों को लॉन्ग, हेल्दी और रीग्रो करने में भी हेल्प करेगी। तो मैंने यहाँ कैस्टर ऑयल यूज़ किया है, और आपको ये कैस्टर ऑयल कहीं पर भी नज़दीकी स्टोर पे मिल जाएगा या फिर मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा, और ये बहुत ही सस्ता है। और ये ऑयल आपको महीनों तक यूज़ आएगा, महीनों तक आप इसको बना के स्टोर करके रख सकते हैं। बट मैं आपको बोलूँगी कि आप 7 डेज के इसके सैशे बना के रखें। तो मैंने करीबन यहाँ पर 1/4 बॉटल को ऐड किया है। आपके पास जो बॉटल होगी आपको उसका 1/4 भाग उस ऑयल को उस पाउडर के अंदर ऐड करना है। अब उसके बाद आपका जो रेगुलर ऑयल है वो ऐड करना है। बट अगर आप उसके अंदर एलोवेरा पैराशूट ऑयल ऐड करें, आपके पास किसी भी कंपनी का कोकोनट ऑयल हो,
आप उसको ऐड कर सकते हैं। मैंने करीबन यहाँ पर 1/4 कैस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है, उसका डबल हमको इसके अंदर ये नारियल का तेल ऐड करना है। आपके पास जो भी कंपनी का ऑयल हो, जो भी कंपनी का ऑयल हो, आप उसको डाल सकते हैं। अब इन सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स करना है। इसको ध्यान रखें कि इसको एकदम अच्छे से मिक्स करना है, एकदम यही एक्यूरेट कंडेंसेंसी ऐड करनी है, यही आपकी प्रॉपर उसकी सेम आपको यही उसका ऑयल बैलेंस रखना है कि आपको प्रॉपर ऐसे ही इस ऑयल को रेडी करना है। अब इन सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब आपको इस ऑयल को यूज़ कैसे करना है। लोग ऑयल बना ले तो लेते हैं बट उनको पता नहीं होता कि ऑयल कैसे यूज़ करना है। अब आपको इस ऑयल को 2 से 3 दिन तक धूप में रखना है, वो भी किसी कांच की बॉटल में रखना है। आपको प्लास्टिक की बॉटल नहीं यूज़ करनी है, आपको किसी कांच के बर्तन में इसको 2 से 3 दिन के लिए धूप में रखना है। जब ये पाउडर सारा नीचे आ जाएगा, जब ये सारा पाउडर नीचे आ जाएगा उसके बाद आपको उसको ऑयल को यूज़ करना है, इसके पाउडर को यूज़ नहीं करना, आपको इसके ऑयल को यूज़ करना है। और वीक में आप 2 बार इसको अप्लाई करें, वीक में आपको करीबन 2 बार अप्लाई करना है। आप रात को इसकी अच्छे से मालिश करके सो जाए और दिन में शैम्पू कर लें, तभी आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले।